हाय फ्रेंड्स, मैं शाली रस्तोगी। आज आपको केले का रायता बनाने की रेसिपी बताऊंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इसके लिए हमें चाहिए 2 पके हुए केले, 150 ग्राम दही, 4 से 5 चम्मच बूरा, 2 छोटी इलायची का पाउडर और 1 टुकड़ा दालचीनी का। इसको हमने पीस लिया है। ये कुछ इस तरह से हो जाता है। सबसे पहले हम दही को ऐड करेंगे। और इस दही में पानी नहीं होना चाहिए, सूखा दही होना चाहिए। इसको अच्छे से हमने फेंट लिया है। अब हम इसमें बूरा मिलाएंगे, 1, 2, 3 और 4 चार चम्मच बूरा डाल के इसको मिला लेंगे। हमें इसमें ज़्यादा मीठा नहीं रखना है क्योंकि केला अपने आप में मीठा होता है। और इसको अच्छे से चला लेंगे। जब बूरा इसमें मिल जाएगी तब इसमें हम केले डालेंगे। चीनी मिल चुकी है, अब इसमें हम केले कट करके डाल लेंगे। फल को काटने के लिए हमेशा स्टील का चाकू यूज़ करते हैं। लोहे के चाकू से ये काले हो जाते हैं फल। इसी तरह से दूसरा भी कट कर लेंगे। इसको चला लेंगे और इसमें अब दालचीनी का पाउडर मिलाएंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और डिफरेंट स्वाद आता है इसका। आप लोग एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। इस तरह से इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है हमें। ये तैयार हो चुका है हमारा केले का रायता। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारी डिश तैयार हो जाएगी और ऊपर से इसमें हम छोटी इलायची का पाउडर डाल देंगे और इसको डेकोरेट कर देंगे। 1 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे और फिर सर्व करेंगे। ये ठंडा ही खाने में स्वादिष्ट लगता है। थैंक यू।